बढ़ते आगे तो बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे से जुड़ी हुई एक और खबर आगे निकल कर आ रही है, जहां पर एक साथ 12 मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रीजनल पार्क मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार है और एक बच्चे के शव को दफनाया गया है। तो आपको बता दें, बावड़ी हादसा जो हुआ था जिसमें 36 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं, उनमें से 12 मृतक बताए जा रहे हैं जिनका एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, 12 मृतकों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से हादसा हुआ था उसके बाद में पूरा जो पटेल नगर है उसके साथ में बैराठी कॉलोनी के भी कुछ लोग इसमें जो दर्शन करने के लिए रामनवमी पर पहुंचे थे, ऐसे में ये पूरा माहौल गमगीन है। जिस तरीके से अगर बात करें तो जो है वो 36 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है, 36 शव बाहर निकाल लिए गए हैं और उसके बाद में कल जो शव यहाँ पर बाहर निकाले गए थे उनकी जो है बॉडी के पीएम जो है होने के बाद में परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए थे और उसके बाद में आज इंदौर के रीजनल पार्क मुक्ति धाम में एक साथ अंतिम संस्कार हुआ है। पूरा पटेल नगर इस वक्त जो है वो गमगीन है। जो परिजन है उनकी आंखें नम है, जो यहाँ के रहवासी है वो कहने का भी इस घटना से उभर नहीं पाए हैं और जिस तरीके से जो है वो प्रशासन ने भी जो है जो अंतिम संस्कार के लिए अलग से व्यवस्था की थी, 12 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव वो भी जो है वो मुक्तिधाम में मौजूद रहे और लोगों का आश्वासन दिया है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ उसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होगी, इस तरह की जो बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और जो मृतक है उनके परिजनों को ढांढस भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है यहाँ पर बताया था। तो कुल मिलाकर अभी पटेल नगर में पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर गम है और पूरी तरीके से यहाँ माहौल गमगीन नजर आ रहा है और आप जो 8 शव निकाले गए हैं उनकी जो है बॉडी को यहाँ उनके शवों को सीधे तौर पर पीएम के लिए भेजा गया है। शाम को उनके शव जो है उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे और शाम को अंतिम संस्कार जहाँ पर जो है वो दूसरे लोगों का किया जाएगा। शुक्रिया पीयूष आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें जहाँ पर एक साथ 12 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, पटेल नगर रहवासियों की बात की जाए, परिजनों की बात की जाए, उनकी मना स्थिति समझी जा सकती है, अपने को खोने का दर्द क्या होता है। तो ये तस्वीर है मुक्ति धाम की, एक साथ 12 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया तो वहीं एक बच्चे का शव दफनाया गया है।